हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास टेंथ का न्यू लाइट इन जनरल इंग्लिश बुक का फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एक्सरसाइज 22 की का ट्रांसलेशन करेंगे। देखो ये आपकी बुक में ट्रांसलेशन, देखो ये एक्सरसाइज 22 है ना, पेज नंबर आपका 258 है। तो देखो जहाँ फ्यूचर टेंस होता है, फ्यूचर है और कॉन्टिन्यूस है। फ्यूचर है तो हमें विल या शैल लग गया तो हमें पता चल गया कि फ्यूचर है, और कॉन्टिन्यूस में कैसे पता चलेगा, तो हम वर्ब में आईएनजी तो लगाएंगे ही, लेकिन अब आईएनजी तो प्रेजेंट में भी लगता है, तो हम यहाँ पर विल बी या शैल बी लिख देंगे तो ये सेंटेंस बन जाएगा, है ना। और पता कैसे चलेगा, जैसे होंगे या होंगा, जो काम फ्यूचर में करोगे तो फ्यूचर टेंस है। हम कल यात्रा कर रहे होंगे, हम की इंग्लिश होती है वी। अब वी के साथ हम क्या लगाते हैं, देखो मतलब आई यू वी के साथ शैल लगता है, तो वी शैल एस एच ए डबल एल। अब शैल के तुरंत बाद आप बी लगा दो, वी शैल बी यात्रा करने के लिए ट्रैवलिंग, टी आर ए वी ई एल आई एन जी ट्रैवलिंग, कब, कल ना, तो टुमारो, टी ओ एम ओ डबल आर ओ डब्लू टुमारो, वी शैल बी ट्रैवलिंग टुमारो, हम कल यात्रा कर रहे होंगे। तुम कल नुमाइश देखने जा रहे होगे, तुम की इंग्लिश होती है यू, यू के साथ क्या लगता है, विल। अब क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है ना, तो यू विल बी, अब देखने जाने के लिए तो यू विल बी, जा रहे हो ना, तो यू विल बी गोइंग टू सी, देखने जा रहे हो, गोइंग, यू विल बी गोइंग टू सी, क्या देखने जा रहे हो, नुमाइश, तो द एग्जीबिशन, नुमाइश को एग्जीबिशन बोलते हैं, ई एक्स एच आई बी आई टी आई ओ एन एग्जीबिशन, कब देखने जा रहे हो, टुमारो, टी ओ एम ओ डबल आर ओ डब्ल्यू टुमारो। मैं कल इस समय परीक्षा दे रहा हूँगा, तो मैं की इंग्लिश आई होती है, आई के साथ शैल लगता है, आई और वी दोनों के साथ शैल लगता है, और सबके साथ विल, तो आई शैल, शैल के तुरंत बाद बी लगा दो, आई शैल बी, अब देने जा रहा हूँगा ना, तो आई शैल बी टेकिंग द एग्ज़ाम, टी ए के आई एन जी टेकिंग द एग्ज़ाम, ई एक्स ए एम एग्ज़ाम एट दिस टाइम, है ना, इस समय, एट दिस टाइम कब, कल, टुमारो, टी ओ एम ओ डबल आर ओ डब्ल्यू टुमारो। किसान खेत में हल चला रहे होंगे, अब किसान फार्मर, एफ ए आर एम ई आर फार्मर के साथ विल लगा दो और बी लगा दो, फार्मर विल बी प्लेइंग, प्लोइंग पी एल, हल चलाने को प्लोइंग बोलते हैं, पी एल ओ डब्ल्यू आई एन जी प्लोइंग द फील्ड, एफ आई ई एल डी प्लोइंग द फील्ड, मेरे पिताजी दफ्तर जा रहे होंगे, मेरे पिताजी यानी माई फादर, एफ ए टी एच ई आर माई फादर विल बी गोइंग टू, देखो कहीं जाने के लिए आई एन जी टू लगाया जाता है ना, गोइंग टू द ऑफिस, ओ डबल एफ आई सी ई ऑफिस, माली बाग में पौधे में पानी लगा रहा होगा, माली यानी द गार्डनर, जी ए आर डी ई एन ई आर द गार्डनर विल बी, पानी लगाने के लिए वाटरिंग द प्लांट, डब्ल्यू ए टी ई आर आई एन जी वाटरिंग द प्लांट्स, पी एल ए एन टी एस प्लांट्स, क्यों, एक पेड़ में थोड़े लगा रहा है ना, प्लांट्स इन द गार्डन, जी ए आर डी ई एन इन द गार्डन, गोपाल कल इस समय यहाँ सो रहा होगा, गोपाल की इंग्लिश लिख दो, जी ओ गो, देखो पी ए एल गोपाल, गोपाल, तो गोपाल के साथ गोपाल विल बी स्लीपिंग, एस एल डबल ई पी आई एन जी गोपाल विल बी स्लीपिंग हेयर, यहाँ ना, तो हेयर एट दिस टाइम, कब, कल यानी टुमारो, टी ओ एम ओ डबल आर ओ डब्ल्यू टुमारो। हम कल इस समय पुस्तक खरीद रहे होंगे, हम की इंग्लिश होती है वी, वी के साथ शैल लगता है ना, तो वी
और शैल के तुरंत बाद वी शैल बी खरीदने के लिए बाइंग बी यू वाई आई एन जी क्या खरीद रहे थे बाइंग अ बुक वी शैल बी बाइंग अ बुक कब इस समय यानी एट दिस टाइम टी आई एम ई टाइम कब टुमारो टी ओ एम ओ डबल आर ओ डब्ल्यू टुमारो वी शैल बी बाइंग अ बुक एट दिस टाइम टुमारो तुम कल इस समय अपने भाई के साथ खाना खा रहे होगे तो यू के साथ यू विल बी ईटिंग खाना खा रहे होगे तुरंत लगा दो यू विल बी ईटिंग किसके साथ विद योर ब्रदर बी आर ओ टी एच ई आर कब वही एट दिस टाइम इस समय ना एट दिस टाइम और कब टुमारो बस कितना इजी है देखो टी ओ एम ओ डबल आर ओ डब्ल्यू फिर हमारे स्कूल का यह चपरासी कल घंटी बजा रहा होगा तो देखो हमारे स्कूल का यह चपरासी ये पूरा सब्जेक्ट एक साथ लिख दो द प्यून ऑफ आवर स्कूल ऐसे लिखो ना हमारे स्कूल का यह चपरासी यानी द प्यून ऑफ आवर स्कूल अब फिर वही देखो विल बी आगे पूरा वही सेंटेंस विल बी घंटी बजाने के लिए विल बी रिंगिंग आर आई एन जी आई एन जी रिंगिंग द बेल फिर से देख लो द प्यून ऑफ आवर स्कूल यानी हमारे स्कूल का चपरासी अब फ्यूचर है तो विल बी रिंगिंग द बेल बच्चों इसके अगले वीडियो में मैं आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का एक्सरसाइज 23 कराऊंगी और अगर आपको कोई अलग से कोई और ट्रांसलेशन चाहिए हो पहले तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो मैं उसका ट्रांसलेशन पहले अपलोड करा दूंगी और बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे जो भी मैं नोटिफिकेशन डालूँ उसका जो भी मैं आपको वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए ना बाय बच्चों।